यार सब्सक्राइब करो ना ऑलराइट को। कैसे बनता है एक इंजीनियर वर्कोहॉलिक? क्यों करता है वो वर्किंग आवर्स के बाद भी वर्क? कुछ लोग कंपनी के लिए कतई वफादार होते हैं, कंपनी को 18-18 घंटे देना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। आखिर क्यों नहीं कर पाता वो वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस? काम के नशे में ईओडी के बाद भी तुम्हारी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी होगी तो लाइफ की तो बीप हो जाएगी ना। क्या इंजीनियर बचपन से होते हैं वर्कोहॉलिक या ये सोसाइटी उन्हें वर्कोहॉलिक बना देती है? काम मेरी दुल्हन और लैपटॉप मेरा बच्चा बोल के हमेशा शादी की बात को टाल देता था। टक 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 टक, उंगलियां थकती नहीं थी इसकी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या भागता है एक ऐसे वर्कहोलिक के दिमाग में। अंग्रेजी में बोले तो व्हाट्स रनिंग इनसाइड द वर्कहोलिक माइंड। पुट योर हैंड्स ऑन माय शोल्डर। सर देखो इतने सारे कैमरास लगे हुए हैं, किसने देख लिया तो, और मोस्ट इंपोर्टेंटली मुझे आपके साथ देख लिया तो। डार्लिंग ये मेरा ऑफिस है, कोई पिंकी रूम्स नहीं है, सारे के सारे कैमरास फेक हैं, और वैसे भी रात को 3 बजे सुनसान ऑफिस में कोई क्यों आएगा? सो चिल, कम ऑन, पुट योर हैंड्स ऑन माय शोल्डर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एचआर मैम। कंप्लीट कर लिया व्हाट्स माय न्यू प्रोजेक्ट सर। कमलेश की काम के प्रति एडिक्शन देखकर मैंने उसका नाम कामलेश रख दिया, और उसके ए ग्रेड परफॉर्मेंस के कारण उसको कई बार एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, पर जाने कैसे उसे काम की लत सी लग गई, और उसकी इसी वजह से कई बार मेरे खड़े नाइट प्लान्स पर पानी फिर गया। लेकिन वो बॉस अनजान था कि असली वजह वो खुद है। कामलेश मुझे एक पार्टी में जाना आज, तो तुम रात को फ्री हो? Oh, that's great, my dear. तो ऐसा आज रात ऑफिस में रुको और नोएडा वाले क्लाइंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो। और डेडलाइन वो हमेशा की तरह क्लोज है। बेचारे ने वीकेंड पे भी काम किया, पर उस नादान परिंदे को काम की लत लगी कैसे? हाँ मुझे पता है, दो लोग मेरी पीठ के पीछे और दो लोग मेरे मुंह के सामने मुझे कमलेश बुलाते हैं। फनी फॉर देम। ये लूजर्स मुझे क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ कि मैं काम नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या? चिल करूंगा, एंजॉय करूंगा? इतनी देर में मैं पीपीटी खत्म नहीं कर लूंगा? एक वर्कोहॉलिक इंजीनियर को नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग से फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस ना मिले तो घर को ऑफिस, बेड को ऑफिस डेस्क, और चाय के कप्स को एस्ट्रे बनाना इनकी मजबूरी नहीं शौक बन जाता है। इनके तो सूत्र में भी सिर्फ काम ही होता है। मेरे बेटे पे ना काम का भूत चढ़ गया था। मैंने उससे हर तरह की बात करने की कोशिश की कि जैसे शादी कब करनी है, शादी के लिए लड़की कैसी चाहिए, लेकिन इसने हमेशा मुझे YouTube की ऐड की तरह स्किप। क्या खाएगा मेरा बेटा आज? बहुत सारा काम है तो। अरे तू ये सब छोड़, तेरी शादी की उम्र हो रही है, तूने कुछ इन्वेस्टमेंट तो करके रखा होगा ना। ऐसा करते हैं आज ना सुनार के पास चलते हैं और थोड़ा सोना ले लेते हैं। मामा मैं अपस्टॉक गोल्ड से डिजिटल गोल्ड ही खरीद रहा हूँ, बाहर जाकर टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? एक शिफ्ट का काम कंप्लीट नहीं कर लूंगा इतनी देर में? तो कहाँ ये ऑनलाइन फोनलाइन के चक्कर में पड़ गया? कोई चक्कर नहीं है, बहुत कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है। देखो इसमें ना 24/7 कभी भी मैं अपना गोल्ड खरीद और बेच सकता हूँ, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, सिर्फ 3% स्टेट इम्प्लीमेंटेड GST है। डाउट है ना आपको? आप 1 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, इतना कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म। तो फिर अब शादी भी कर ले, ज्यादा कुछ नहीं, 4-व्हीलर गाड़ी, 3 टाइम का खाना, 2 बच्चे और एक बड़ा घर तो चाहिए बस। When I first met Kamlesh, he was not addicted to work, he was addicted to something else. Joint venture तक साथ में शेयर किया हमने, लेकिन जब से मुझे प्रमोशन, ऑफिस की तरफ से गाड़ी, और गाड़ी देख के जो बंदे मिले ना, तब से पता नहीं फन कमलेश ऑफिस के केबल्स में पता नहीं कहाँ हो गया है। आई नो प्रमोशन, गाड़ी और उसके पर्क्स, ये सब कामलेस डिजर्व करता था, लेकिन ये डिसीजन बॉस का था। अब बॉस मेरे चाचा थोड़ी है, मामा है। मुझे तो बस ये सवाल खाया जा रहा था कि मेरा दोस्त वर्कोलिक बना कैसे। कमलेश अपने कलीग्स के लिए फन लवर से फन किलर बनता जा रहा था। प्रोफेशनल लाइफ का रिज्यूमे बेटर करते करते वो नादान अपनी पर्सनल लाइफ को रिज्यूम करना भूल गया था। मेरे कलीग्स मुझे किसी भी फन एक्टिविटी में नहीं बुलाते थे, मुझे पीछे छोड़ देते थे। मैं और मेहनत करके उनको पीछे छोड़ देता था। जब मुझे अप्रेजल मिलेगा ना और अपनी जलती आंखों से मुझे देखेंगे, उसका नशा ना कुछ
और ही हुआ देख लेना। पर क्या वजह है इस काम के जुनून में? As an HR, I try to maintain a disciplined and non-abusive environment in the office. But इस कमलेश के केस में, इसके अप्रेजल के टाइम पे मेरी फट के हाथ में आ जाती है। मैम, these are the projects for this week. And shop, promotion पक्का इस बार। Well, कमलेश, इस financial year में ऑफिस को बहुत लॉस हुआ है and you know, higher management, lower management, HR, as looking employees or Chotu, guard bhaiya, इन सब के अलावा किसी को प्रेजेंट मिला ही नहीं है, so I think you can do better. Bro. मम्मी को क्या? बैठो, आराम से बैठो. एक मिनट रुको. Are you okay? चल. Oh, भाई साहब. गार्ड भैया जल्दी से ऑफिस में आओ जल्दी से. Are you okay? लैपटॉप का है मम्मा, लैपटॉप दे दो मम्मा. एक काम करना है, वो पीपीटी कंप्लीट कर लूंगा ना, भेजनी है, प्लीज दे दो मम्मा, प्लीज दे दो लैपटॉप दे दो. कमलेश की हालत देखते हुए उसकी दुल्हन और बच्चे को छीन लिया. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. क्या हुआ? मैं जीत गया. आई एम सॉरी बेटे, हम पेरेंट्स जाने अनजाने अपने बच्चों पे फैमिली, सोसाइटी, फ्यूचर का प्रेशर डाल देते हैं. अभी फ्यूचर तो आगे आएगा, पहले हम अपना प्रेजेंट तो ठीक कर लें. और कमलेश, ये तो दिन रात आप काम करोगे तो आप बर्न आउट हो जाओगे यार. डेडलाइंस मैं एक्सटेंड करवा दूंगा. ये रात रात ऑफिस में बैठकर काम करना बंद करो यार. लोगों के प्लान्स होते हैं कुछ. ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा. I think he can do better. Mama, आज आप राजमा चावल बना देना और मैं गुलाब जामुन बनाऊंगा सबके लिए. मैं बना के आता हूँ गुलाब जामुन. अच्छा, आप भी खाएंगे? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस होता है. आइडिया नहीं था मुझे. घर वालों से बातें शेयर करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, इंजॉय करना, अपने आप को टाइम देना, इसका नशा ना बेस्ट होता है. इट्स ब्यूटीफुल. हाँ भाई, नहीं मैं अभी आ रहा हूं. अरे दोनों पियेंगे ना. आ रहा हूं. Guys, ये HR है ना, मेरा अप्रेजल रुका हुआ है 50 की लाइक्स के चक्कर में. तो आप हेल्प कर दो अप्रेजल दिलवाने में. एंड हम सबको पता है कि जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम स्टोर पे जाते हैं, उसको बनवाते हैं और उसको रखने के लिए अलग से तिजोरी बनवाते हैं, राइट? लेकिन सिंपल है ना, अब स्टॉक्स गोल्ड पे जाके अपना फ्री अकाउंट ओपन करके डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो. 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेस्ट ऑप्शन है. और तो और आप 1 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो. तो चाहिए क्या? कम ऑन, ओपन तो करो. एंड गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी ऑलराइट.